for HS first year and second year commerce tuition and become tuition, you can contact with me in this number 6001601899. So welcome students to another new video. तो students के तरफ से एक important questions आए आज के वीडियो में, उस topic के regarding आप लोग को information provide करेंगे. So question है, क्या बैक के students जितने भी है TDC CBCS के और FYUG के, क्या उन students को जो September महीने में internal exam होंगे आसाम university के, तो उसमें appear होना पड़ेगा या फिर नहीं? सो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस है और आज के वीडियो में उसके कंप्लीट डिटेल्स भी आप लोगों को शेयर करेंगे. सो आप लोगों को क्या करना है, हर बार की तरह वीडियो में एंड तक बने रहना है. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो असम यूनिवर्सिटी का टीडीसी सीबीसीएस एंड एफआईयूजी के लिए जो गाइडलाइंस है इंटरनल एग्जाम्स के, सो इंटरनल एग्जाम सितंबर को होने जा रही है, ठीक है. और जिन स्टूडेंट्स लोगों का पहले से बैक लगा हुआ है, मतलब टीडीसी सीबीसीएस के जो फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स हो जिनका ऑलरेडी बैक है, या फिर एफआईयूजी के जो थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हो जिनका ऑलरेडी बैक है, इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स का टीडीसी सीबीसीएस कोर्स कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी भी बैक रह चुका है, क्या इन सारे स्टूडेंट्स को इंटरनल एग्जाम देना पड़ेगा या फिर नहीं? सो जो गाइडलाइंस गाइडलाइंस वाइज, अगर आप लोग का इंटरनल में बैक लगा हुआ है अभी भी, ठीक है, दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं अभी, एक इंटरनल और एक टर्नमेंट. इंटरनल में आपको अलग करके पास करना होगा, सेम एज टर्नमेंट में भी आपको अलग करके पास करना होगा, ठीक है. दोनों एग्जाम में आपको पास होना पड़ेगा तभी जाके आपका उसी पेपर में बैक क्लियर होता है. अगर आपका इंटरनल में बैक है और टर्नमेंट में आपने क्लियर कर दिया, फिर भी आपका उसी पेपर में बैक रह जाएगा जब तक इंटरनल क्लियर नहीं करोगे. और सेम एज अगर इंटरनल में क्लियर है आपका और टर्नमेंट में बैक है, देन सेम पेपर में बैक रह जाएगा. तो अगर किसी पेपर में आपका इंटरनल में बैक है तभी जाके आपको यूनिट टेस्ट देना होगा, इंटरनल एग्जाम आपको अपीयर करना होगा उसी पेपर के लिए. अगर आपका इंटरनल में कोई बैक नहीं है, जस्ट टर्नमेंट में बैक है, देन आपको इंटरनल एग्जाम अपीयर करना नहीं होगा. आपको जो नवंबर महीने में टर्नमेंट एग्जाम होंगे उसी को अपीयर करना होगा, अपीयर करके उसमें पास होना होगा उस सब्जेक्ट में, तभी जाके आपका बैक क्लियर हो जाएगा. सो जिन बैक स्टूडेंट्स लोगों का डाउट था कि बैक पेपर जो है हम लोग का उसमें क्या इंटरनल एग्जाम देना होगा, तो अगर इंटरनल में आपका बैक है उसी पेपर में तभी जाके आपको इंटरनल एग्जाम देना होगा, यूनिट टेस्ट देना होगा, अदरवाइज आपको यूनिट टेस्ट देना नहीं होगा. डायरेक्ट जो आपके टर्नमेंट एग्जाम होंगे नवंबर दिसंबर में, उसी में आपको एग्जाम देके उस पेपर का बैक क्लियर करना होगा. सो होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. ऐसे जो भी डाउट्स रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, नहीं तो मुझे डीएम कर देना, मैं ट्राई करूंगा उन सारे टॉपिक को क्लियर करने के लिए. और बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर देना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. सो ऐसे आप स्टूडेंट मेरे साथ बने, चल के साथ जुड़े. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी.